सप्लाई निगम शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए लगातार बाजार क्षेत्रों एवं दुकानों में निरीक्षण कर प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर जब्ती के साथ जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। निगम भिलाई में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर 48 दुकानों में कार्रवाई करते हुए 19,550 रुपए जुर्माना वसूला है। भिलाई निगम क्षेत्र अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पादों को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई करने के लिए टीम का गठन भी कर दिया है। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी के निर्देश पर प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई अभियान लगातार जारी है। प्रत्येक जोन में अलग अलग जगहों पर दुकानों व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। जहां भी सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक का विक्रय करते पाया जा रहा है, वहां इसे जब्त करते हुए जुर्माना भी वसूला जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगने के बाद महापौर नीरज पाल ने भी प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील शहरवासियों से की है। शहर को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार किया जाए। देखिए, माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई करने के लिए जो पुलिस प्रकार के प्रतिबंधित प्लास्टिक हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए टीम का गठन किया गया है। इसी तारतम्य में जो है लगातार टीम के द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में छापामार कार्रवाई की जा रही है और प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त करते हुए जुर्माना की भी कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में जो है 48 लोगों से जुर्माना वसूला गया है। उनकी जो प्रतिबंधित प्लास्टिक वो भी जब्त की गई है। 19,550 रुपये जो है जुर्माना वसूल कर जो है 48 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जो निगम ने कई लोगों को चेतावनी भी दी है कि दोबारा यदि पाया जाता है तो सीलबंदी भी कार्रवाई की जाएगी और जो भी नियमता होगी जो नियम होंगे गाइडलाइन के तहत में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। माननीय महापौर जी भी लगातार स्वच्छता बनाए रखने की अपील कर रहे हैं और इसी तारतम्य में शहर के आम नागरिकों से मैं भी अपील करता हूँ कि जो कपड़े का थैला है, जो प्रतिबंधित प्लास्टिक को छोड़कर जो भी चीज़ें हम अपना सकते हैं उसको अपने दैनिक जीवन में अपनाएं और इसी के साथ में बाजार क्षेत्र में भी जाते हैं तो हमेशा हमको जो है अपने कपड़े का थैला इस टाइप के इस्तेमाल करना वो करना चाहिए। सर, मैन्युफैक्चरर को लेकर के कुछ लगातार हमारे यहाँ जो छापेमारी के निगम भिलाई प्रशासन द्वारा शहरवासियों से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की सामग्री लेने के लिए कपड़े से बने थैले इत्यादि का उपयोग करें। प्लास्टिक से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है, जिसको देखते हुए इस पर भिलाई निगम क्षेत्र में कड़ाई करना प्रारंभ कर दिया है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।